न्यूक्लियर फिजिक्स के बेसिक प्रॉपर्टी के अंदर स्टैटिस्टिक को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें पता है, पार्टिकल दो टाइप के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो पार्टिकल। मैक्रो पार्टिकल वो पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एंड माइक्रो पार्टिकल वो पार्टिकल्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसका मतलब मैक्रो पार्टिकल वो पार्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंड माइक्रो पार्टिकल वो पार्टिकल हैं जिनको हम देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो ऐसे पार्टिकल्स के ऊपर क्लासिकल स्टैटिस्टिक अप्लाई होती है और ऐसे पार्टिकल्स के ऊपर क्वांटम स्टैटिस्टिक अप्लाई होती है। इसका मतलब क्लासिकल स्टैटिस्टिक अप्लाई ओनली दोज पार्टिकल विच आर आइडेंटिकल, डिस्टिंग्विशेबल एंड ऑब्जर्वेबल। जिन क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, क्लासिकल फिजिक्स हमेशा उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होती है जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन माइक्रो पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स हैं जिसके ऊपर क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, और इन पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम फिजिक्स ने जन्म लिया था। मींस माइक्रो पार्टिकल वो पार्टिकल हैं जिनको हम देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, बोसोन्स, इनको हम देख नहीं सकते, लेकिन इनको हम डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो सबका चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁶ कूलम, सबका मास 9.1 × 10⁻³¹ केजी, ऐसे ही प्रोटॉन। इसका मतलब माइक्रो पार्टिकल्स के ऊपर कौन सी फिजिक्स अप्लाई होगी, क्वांटम फिजिक्स अप्लाई होगी। और क्वांटम फिजिक्स उन पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होती है जिन पार्टिकल को हम देख नहीं सकते, जिनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अब ऐसे दो टाइप के पार्टिकल्स हमारे पास पाए गए इस यूनिवर्स के अंदर। एक तो वो पार्टिकल थे जिन पार्टिकल की स्पिन जो थी वो कितनी थी, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल में थी, एच कट में। और ऐसे कौन से पार्टिकल्स थे, वो सारे फर्मियों जिनको फर्मियोन्स की कैटेगरी में डाला गया, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स हैं, एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं, फर्मियोन्स की कैटेगरी में आते हैं। और इन सब की जो स्पिन होती है वो पॉसिबल स्पिन कितनी होती है, प्लस माइनस हाफ होती है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं, अगर इलेक्ट्रॉन है हम नहीं देख सकते, अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमें चेक करना है तो ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे आइडेंटिकल्स होंगे, सेम का सेम मास होगा, सेम उनका चार्ज होगा, तो इनको हम डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते। इसका मतलब फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक अप्लाई ओनली दोज पार्टिकल विच आर आइडेंटिकल, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विशेबल एंड हैविंग हाफ इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन। और ये स्टैटिस्टिक एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, और वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होगी, ये दैट इज ए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के ऊपर। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक सेल के अंदर एक ही पार्टिकल आएगा, मींस एक पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन एक सेल के अंदर होगा। इसका मतलब फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक अप्लाई ओनली दोज पार्टिकल विच आर आइडेंटिकल,
कैन नॉट बी ऑब्जर्वेबल, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विशेबल एंड हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्पेन एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऐसे पार्टिकल्स के ऊपर फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक अप्लाई होगी। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक अप्लाई ओनली दोज पार्टिकल जिनकी स्पिन जो होगी वो क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट में होगी। और ऐसे कौन से पार्टिकल्स हैं, जैसे फोटॉन्स हैं, फोटोन जिसकी एनर्जी एच न्यू होती है, इनकी स्पिन कितनी होती है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट में होती है। इसका मतलब बोसॉन्स जो हैं उनको भी हम नहीं देख सकते, फोटॉन्स को हम नहीं देख सकते। फोटॉन्स को अगर हम नहीं देख सकते तो इनकी जो स्पिन है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट के अंदर है। इसका मतलब बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक अप्लाई ओनली दोज पार्टिकल विच आर आइडेंटिकल, कैन नॉट बी ऑब्जर्वेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट स्पिन। तो उन पार्टिकल्स के ऊपर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक अप्लाई होगी। जो मेन डिफरेंस था वो हमारे पास ये डिफरेंस था, और जो क्लासिकल फिजिक्स थी जिनको हम देख सकते थे, जिनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, उस स्टेटिस को डिस्कस करने वाले जो साइंटिस्ट थे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थे। और इस क्लास के अंदर क्वांटम स्टैटिस्टिक को दो क्लास के अंदर डिवाइड किया गया, नंबर वन फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक एंड नंबर टू बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक। फर्मी ने उन पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जिनकी स्पिन हाफ इंटीग्रल मल्टीपल में थी, और बोस आइंस्टाइन ने उन पार्टिकल को डिस्कस किया जिनकी स्पिन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट में थी। जो सेकंड मेन डिफरेंस है वो है वेव फंक्शन का। अगर मैं किसी सिस्टम की बात करूं, सपोज करो मेरे पास ये कोई सिस्टम है और इस सिस्टम के मैं दो पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, और मैंने इस सिस्टम को किसी टाइम के ऊपर मेजर किया, सपोज करो एक पार्टिकुलर टाइम के ऊपर मेजर किया, तो इस पार्टिकल का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट था वो आर वन था और इस पार्टिकल का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट था वो आर टू था, और किसी एक पार्टिकुलर टाइम के ऊपर इस सिस्टम का जो वेव फंक्शन था वो कितना था, दैट इज इक्वल टू साई आर वन आर टू, ये था। अगर कुछ टाइम के बाद मैंने इन दोनों पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, इसका मतलब जो इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट जो पहले आर वन था इसको मैंने आर टू बना दिया, और जो इस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट आर टू था इसको मैंने क्या बना दिया, आर वन निकाला। और कुछ टाइम के बाद मैंने इस सिस्टम का जो वेव फंक्शन देखा, तो उस वेव फंक्शन की जो वैल्यू आई वो कितनी थी हमारे पास, दैट इज इक्वल टू वेव फंक्शन की वैल्यू कितनी बन गई, साइन आर टू आर वन, ये बन गई। अगर ये दोनों फंक्शंस की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल हैं, मतलब क्या बराबर निकल के आई आर टू आर वन, मीन्स यहां पे एक पॉजिटिव साइन निकल के बाहर आया यहां पे, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोला गया, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शन। और जो सिमेट्रिक फंक्शन जिन पार्टिकल्स का था उन पार्टिकल्स को कौन सी स्टैटिस्टिक ने ओबे किया, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक ओबे करती है। मींस जिन पार्टिकल का फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक है वो पार्टिकल बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक को ओबे करते हैं। अगर मैंने यहां पर जब कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज करने के बाद अगर यहां पे जो वैल्यू अगर निकल के आई, अगर वो माइनस साइन निकल के बाहर आया,
तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वो एसिमेट्रिक फंक्शन है। और एसिमेट्रिक फंक्शन जिन पार्टिकल का होता है वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक को ओबे करते हैं। इसका मतलब हमारे पास फंक्शन दो टाइप का होगा, एक हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन, एक एसिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन उन पार्टिकल का होगा जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक को ओबे करेंगे, और एसिमेट्रिक फंक्शन उन पार्टिकल का होगा जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक को ओबे करेंगे। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थी न्यूक्लियस की स्टैटिस्टिक, जिसको हमने डिस्कस किया दो टर्म में, एक तो बिहेवियर ऑफ पार्टिकल एंड सेकेंड वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल। अगर लेक्चर मेरा आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।